कर रहे होंगे कि आप सभी लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारे तरफ से जो है कि कुछ त्रुटियां हो तो आप लोग क्षमा करने की कष्ट कीजिएगा दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड है, जो कि अफिलिएटेड कॉलेज, जो भी अफिलिएटेड कॉलेज है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जो कि हम आज इस वीडियो में बताएंगे। बी कॉम, एम कॉम, बी ए, एम कॉम, एम बी ए, ये सब सारी डिटेल्स इसमें हम बताएंगे जो आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। देखिए हम आज आपको इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो जो लोगों का भी मौखिक परीक्षाएं छूटी हुई थी, एम ए, बी कॉम, बी ए, सभी लोगों का पेपर जो है कि आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, वो हम इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। आइए चलते हैं इस वीडियो में, इस लिंक पे चलते हैं, इस वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि क्या डिटेल्स निकल के आ रही है जो कि हम आप लोगों को बता सके दोस्तों। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क जो है स्लो काम कर रहा है और मेरा लैपटॉप भी थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। तो आइए हम चलते हैं, हमारा जो है कि बीकॉम प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष एवं एम कॉम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर की छूटी हुई मौखिक परीक्षाएं दिनांक 21 जुलाई को, जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई को वाणिज्य विभाग राजकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र सोनभद्र में आयोजित किए जाने में संबंध में सूची, यानी कि ये सूचना है आप लोगों के लिए कि जो जो राज्य की स्नातक महाविद्यालय है सोनभद्र, यानी यूपी में सोनभद्र में जो कॉलेज है, महाविद्यालय है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वो आप लोगों के लिए एक सूचना दिया गया है 13 जुलाई के, यानी कि आज के डेट में। तो वो हम आप लोग बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों का पेपर छूटा था, मौखिक पेपर जो भी आप लोगों का छूटा था बी कॉम एम कॉम के लिए, ये सब आप लोगों के लिए क्या डिटेल्स निकल के आ रही है वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं अपने इस नोटिस के पन्नों पर, देखते हैं क्या क्या हमारे पास नोटिस है। तो देखिए दोस्तों, राजकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश, यानी कि राजकीय पीजी कॉलेज, यानी पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट विद्यालय से एक बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि 12 दिन यानी 12 जुलाई को ये अपडेट निकला हुआ था, जारी किया गया है। और इसके यानी कि government.pgcollege, यानी कि कॉलेज ओबरा, आप @gmail.com पे जाकर आप इसका वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, अपना नोटिस भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसके मेन टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, नोटिस में क्या नोटिस दिया गया है, क्या राय दिया गया है। तो देखिए चलते हैं, सेवा में प्रभारी संगणन केंद्र महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से महोदय कुल सचिवी परीक्षा दिनांक नियंत्रण के कार्यालय पत्रक प्रसाद 14 स्नातक उत्तर छूटी हुई परीक्षाएं, यानी कि छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं 22 यानी कि 22 2022 में, यानी कि 8 जुलाई के अनुसार बी कॉम प्रथम द्वितीय तृतीय एवं वर्ष एम कॉम के प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थी सेमेस्टर की नियमित रेगुलर एवं व्यक्तिगत प्राइवेट परीक्षार्थियों की छूटी हुई मौखिक प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 21 जुलाई को वाणिज्य विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में सोनभद्र में सम्मिलित होना है, संपन्न होना है, यानी कि आप लोगों का जो पेपर छूटा हुआ है बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए और एमकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के लिए, वो आप लोगों का पेपर जो होगा कि 21 जुलाई को होगा, 10 बजे से होगा। और आप जाइए और आप लोग पेपर देकर आइए दोस्तों, ताकि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो लोग भी इस पेपर में नहीं सबमिट हो पाए थे अगले टर्म में, तो इसमें ये अपना मौखिक जाकर अपना पेपर दे सकते हैं और साथ में 2000 रुपये भी लेकर जाना अनिवार्य है, क्योंकि आप लोग के आवेदन पत्र जो भी आप लोग प्रवेश पत्र मिला था वो लोग भी अपने साथ उपस्थित लेकर जाए और पेपर दे और अपना जो भी विषय में जो भी विषय का आप लोगों का छूटा हुआ था आप लोग उसका मौखिक पेपर आप लोग दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। तो ये थी हमारे कुछ अपडेट जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वगैरह सोनभद्र से था, जो कि अपडेटेड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है। तो ये थी हमारी टॉपिक जो कि सोनभद्र के लिए था। अब हम चलते हैं, ये था बीकॉम और एमकॉम के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि हमारे यही चंदौली जिला चंदौली जनपद से ही अपडेटेड कॉलेज से नोटिस आई है, जो कि हम बता सकते हैं आपको ये भी अपडेटेड है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। तो आप लोग देख सकते हैं
और समझ सकते हैं दोस्तों कि देखिए डॉक्टर रश्मि सिंह हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल, ये जो हेड हैं वो फिजियोलॉजिकल के हेड हैं, ये जो भी डॉक्टर रश्मि सिंह जी हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल ये उनकी हेड है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड निकला हुआ है, अभी निकली हुई है 13 जुलाई आज के डेट में ये सूचना, आवश्यक सूचना है कि छूटी हुई परीक्षा के संबंध में, छूटी हुई परीक्षा के संबंध में सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आप लोगों का जिन लोगों का भी पेपर छूटा हुआ है बीए एमए प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर और बीए के लिए द्वितीय और तृतीय वर्ष के, तो वो आप लोग जाकर पेपर दे सकते हैं 10 से 11 बजे तक और 11 से 2 बजे तक, आप लोग का कक्षा संख्या भी दिया है उस रूम में जाकर आप लोग दे सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। कुल सचिव परीक्षा नियंत्रण के कार्यालय पत्रा 14/2022 प्रायोगिक मौखिक परीक्षा 2022 है, दिनांक है 8 जुलाई के अनुसार बीए द्वितीय तृतीय वर्ष और एमए प्रथम तृतीय सेमेस्टर वाराणसी में चंदौली जनपद के समस्त नियमित व्यक्तिगत यानी कि रेगुलर और प्राइवेट परीक्षार्थियों की छूटी हुई मौखिक प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 20 जुलाई यानी 20 जुलाई को ये पेपर होना है। और सोनभद्र में क्या था यानी कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्या था वो 21 जुलाई को था और यहाँ पे क्या है 20 जुलाई को है। तो मेरे को मनोवैज्ञानिक विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से अनुलिखित विवरण के साथ संपन्न होगी। तो ये सब जितने भी कॉलेजेस हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड जिन लोगों का पेपर छूटा हुआ है वो लोग अपना अपना नोटिस जारी करेंगे, उस हिसाब से अपना पेपर लेंगे। जो लोगों का भी मौखिक पेपर छूटा हुआ है किसी भी स्ट्रीम का, वो लोग उस स्ट्रीम से आप लोगों का भी नोटिस जारी करके आप लोग का पेपर ले सकते हैं। तो ये थी हमारे कुछ अपडेट जो कि हमारे इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही होगी दोस्तों। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक विषय की छूटी हुई परीक्षा मौखिक प्रायोगिक परीक्षा मनोवैज्ञानिक विभाग में आयोजित होगी। सभी छात्र छात्राओं को उपयुक्त तिथि में निश्चित समय से प्रायोगिक कार्यालय में पुस्तक एवं प्रयोग यानी खाने का मतलब यह है कि सभी छात्र छात्राओं को खाना अनिवार्य है और इस जो भी मौखिक परीक्षा है प्रायोगिक परीक्षा है मनोवैज्ञानिक के विभाग से आयोजित किया गया है, आप लोगों को इसको देना ही देना है। तो ये थी कुछ अपडेट जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड थी जो कि 13 जुलाई के नोटिस बोर्ड पे आई है, दिनांक पे आई है। तो ये थी हमारे कुछ अपडेट दोस्तों, इस तरह की वीडियो हम आप लोगों लाते रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पर पहली बार आए कंप्यूटर पहली बार आए तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाए कि उन लोगों को भी पता चले कि जो भी ये नोटिस निकला हुआ है आप लोगों को पता चल सके और आगे छात्र छात्राओं को भी पता चल सके दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का अपने घर परिवार का माता पिता का देख रेख करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।